नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला एंड पाठशाला रेलवे एग्जाम में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य 2022 के 17 युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल किया है? विच इंडियन हैज बीन इंक्लूडेड बाई द यूनाइटेड नेशन इन द लिस्ट ऑफ 17 यंग लीडर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020? मधु तेहरान, उदित सिंगल, वीर सांगवी एंड कपिल सिब्बल। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को मेरा करंट अफेयर का जो मेहनत है वो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो नीचे लाइक का बटन दबा के जो है मेरा प्रोत्साहन, मेरा उत्साह बढ़ाइए। और दिन का जो लाइक का टारगेट है वो 500 है। अगर ये टारगेट अचीव हुआ तो मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की एक रिवीजन की क्लास लेके आऊँगा। मंडे टू सैटरडे होने के बाद संडे को रिवीजन रखेंगे अपन लोग। जैसा कि हर रोज़ मैं आप लोगों की दिन की शुरुआत करता हूँ कोट ऑफ द डे के साथ, तो आज जो शब्द चुने हैं वो कलाम जी के शब्द चुने हैं। कलाम जी ने कहा है, मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। जो लोग हैं, जो आदमी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको कठिनाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि कठिनाइयाँ ही सिखाती है कि सफलता को कैसे इंजॉय किया जाता है। तो जब तक आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ नहीं हैं, आप उसे देख नहीं रहे हो, आप उसे महसूस नहीं कर रहे हो, अगर आपको सफलता मिलती है तो आप उसको इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। सो इस बात की गहराई में जाइएगा, इन डेप्थ में जाइएगा, और ये वाली फीलिंग मत कर लीजिएगा आ बैल मुझे मार। कठिनाइयाँ अगर आपकी ज़िंदगी में आती है, आप लड़के आगे बढ़ते हो, तो जब आपको सफलता मिलती है तभी आपको समझ में आता है कि आप अपनी सफलता कैसे इंजॉय करते हो। सो बात में बहुत दम है, बहुत गहराई है। सो दिन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ही था हमारा, विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन द लिस्ट ऑफ 17 यंग लीडर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन में आपके पास जो है कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, ये कांग्रेसी नेता हैं और पेशे से वकील भी हैं, और इनकी एज जो है 50 के ऊपर है, तो यंग लीडर्स में आते नहीं है। वैसे इसका जो है सही ऑप्शन है उदित सिंगल हैं। ये 18 वर्षीय एक युवा हैं और जिनका काम बहुत सराहनीय रहा है, इस वजह से इनको जो है यंग लीडर्स में शामिल किया गया। 17 यंग लीडर में यूनाइटेड नेशन के द्वारा शामिल किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020, सतत डेवलपमेंट गोल 2020। सस्टेनेबल को हिंदी में सतत बोलते हैं। ये एक स्मार्ट सा छोटा सा पेस है और चॉकलेटी बॉय की तरह है, और सुना मैंने चॉकलेटी बॉय बहुत पसंद किए जाते हैं। सो 18 वर्षीय ये बंदे हैं भाई साहब, और इनका काम बड़ा सराहनीय रहा है। इन्होंने क्या काम किया है, कचरा रहित जो है पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया हुआ है, और बेसिकली इनका एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप का नाम है ग्लास टू सैंड। इनके इसी सराहनीय काम को लेके इनको जो है 17 यंग लीडर्स के बीच में रखा गया, क्योंकि एज भी 18 साल है, तो इनसे ज़्यादा यंग कौन हो सकता है। इनको देख लेते हैं, और कभी कई बार हम अपने आप को देखते हैं आईने में तो लगता है कि ये क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और ये बात आप पे भी लागू होता है कि आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग 27 साल के, 28 साल के, 29 साल के हो गए होंगे, और लाइफ में अभी भी सिर्फ और सिर्फ डर रहे हैं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी निकल जाए, सीजीएल निकल जाए, और देखिए छोटे से बच्चे हैं, क्या क्या कारनामे किए जा रहे हैं। तो अपने अंदर एनर्जी, उत्साह भरिए, इन लोगों से कुछ सीखिए। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए कुछ, मैं भी क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ, आप भी क्रिएटिव करने की कोशिश करें। अच्छा, करंट अफेयर के मुद्दे की बात करते हैं। अभी एक बार समझिए कि ये जो इन्होंने एक कचरा रहित पारिस्थितिकी तंत्र बनाई है क्या। एक्चुअली ये आपको पता होगा कि आपके घर में कांच होती है, कांच के बोटल्स होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, टूटते फूटते हैं, फिर उसे आप बाहर ले जाके डिस्पोज करते हो, कई बार कचरे में डालते हो, फिर कहीं और ले जाके डिस्पोज किया जाता है। तो इन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया है, और एक स्टार्टअप है बेसिकली इनका ग्लास टू सैंड। ग्लास टू सैंड मतलब ग्लास से सैंड में कन्वर्ट करना। तो व्यावसायिक रूप से ये क्या काम कर रहे हैं, जो कचरा है ग्लास का उसको मूल्यवान रेत में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक रिसाइकिल करने का प्रोसेस है, किसी भी एक टाइप के मटेरियल को जो वेस्ट हो गया है उसको दोबारा से नए मटेरियल में कन्वर्ट करना, और उसका जो है वैल्यू एडिशन करना, इसको रिसाइकिल भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया है कि रिसाइकिल किया है, मूल्यवान रेत में कन्वर्ट किया है। इनके इसी सराहनीय काम को लेकिन इनको 17 जो है यंग लीडर्स के बीच में डाला गया। ये क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली ये जो प्रमुख चुनौतियां हैं कोविड-19 के महामारी के दौरान और सतत डेवलपमेंट को लेके, उसमें इनका जो काम रहा है वो सराहनीय रहा है, और इसी काम के लिए इनको इस ग्रुप में शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये चॉकलेटी लड़के हैं, और इनका नाम अच्छे से याद रहना चाहिए, उदित सिंगल नाम है। क्या नाम है इनका, उदित सिंगल, नाम भूलिएगा मत, उदित सिंगल। कम से कम इनका नाम तो याद ही रहना चाहिए, जब भी आपके एग्जाम में आ जाए फेस देख लीजिए, और इनको देख के शर्म भी आनी चाहिए हम में से ज़्यादातर लोगों को। ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसकी है, ये बेसिकली बराक ओबामा पे लिखी गई है, बराक ओबामा की है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। एक बार समझिएगा कि ये जो बुक है, इस बुक को प्रकाशित जो किया जाएगा 17 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा 2020 को। ये अभी सामने नहीं आया है, ये आएगा, इसका फर्स्ट प्रिंट, फर्स्ट हैंड जो आ गया है प्रॉमिस डे का, और ये सामने आ गया है। और बेसिकली इस बुक के अंदर क्या है ये भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया गया है।
ये व्हाइट हाउस में उनका उदय कैसे हुआ, उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने किस तरीके से जो है काम किया है, उन सभी चीजों को लेकर जो है इन्होंने बेसिकली इसमें जानकारी दी है। ये लगभग 768 पृष्ठ की जो है पुस्तक बनने वाली है। कितनी? ये लगभग 768 पृष्ठ की है। इसमें सभी रहस्यों का जो है उद्घाटन होगा, सभी जो रहस्य रहे हुए हैं कि कैसे, आपको पता होगा कि एक छोटी सी कुटिया से निकल के प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो भी अमेरिका जैसे देश की। तो इस किताब के अंदर इनका जो उदय कैसे हुआ है, इन्होंने अपने व्हाइट हाउस में कैसे काम किया है, कैसे इनके डिसीजन रहे, उन सब चीज़ों को लेके, क्रिटिकल पॉइंट्स को लेके, कुछ ऐसे रहस्य जो पब्लिक डोमेन में नहीं है उन सबको उजागर करेंगे इस किताब में। तो 768 पृष्ठ की एक किताब है और किताब का नाम रहना चाहिए ए प्रोमिस्ड लैंड। मैं मुझे जो ये किताब का नाम सुन के जो मुझे फीलिंग आ रही है, जिसे मैं याद रख सकता हूँ कि बराक ओबामा ने अपने देशवासियों को कुछ प्रॉमिस किया था कि एक ऐसा लैंड देंगे जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उसी के नाम पे इन्होंने नामकरण किया है प्रॉमिस लैंड। ये सिर्फ रटने के लिए जो है, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, सिर्फ ये एक मेमोनिस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बराक ओबामा जी ने एक लैंड प्रॉमिस किया था अपने देशवासियों के लिए, इसी पे वो एक किताब लिख रहे हैं ए प्रॉमिस्ड लैंड। और बेसिकली उन्होंने व्हाइट हाउस, अपने पूरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस में कैसे काम किया है, उसका वर्णन इसी किताब में करेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन शीर्षक की नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये किताब लिखी है अरुंधति रॉय जी ने। तो आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, एक तो पहले समझिएगा नाम याद करने के लिए। देखो, आज़ादी कैसे याद रख सकते हो, यह है आज़ादी, इसी का सिनोनिम्स है फ्रीडम। फिर एक है फासिज्म, यहाँ पे आज़ादी है, इसका एंटोनिम है फासिज्म। और दूसरा है फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। ये नाम है काल्पनिक, लेकिन किताब क्या है? नॉन फिक्शन बुक है, लिखा गया है ये फिक्शन कि आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, ये क्या है? पूरी तरीके से फिक्शन है, लेकिन जो किताब है वो एक्चुअल सच्चाई पे है, रियल घटनाओं पे बेस्ड है। ये नॉन फिक्शन किताब है। क्या है? नॉन फिक्शन किताब है और ये निबंध का एक संग्रह है। ये बेसिकली जो किताब है वो अधिनायकवाद से दुनिया में स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, इस चीज़ पे लेके। अधिनायकवाद क्या होता है? अधीन, किसी चीज़ को अधीन करना। और ये जो फीलिंग होती है लोगों के अंदर कि हम इस चीज़ को अधीन कर लेंगे, इस चीज़ को अधीन कर लेंगे, इसी को बोलते हैं अधिनायकवाद। तो इस चीज से आज़ादी कैसे दिलाई जा सकती है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इसमें वर्णन किया गया है। तो इसके निबंध संग्रह में भाषा की जो भूमिकाओं और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच जो वैकल्पिक काल्पनिक जो है भूमिकाएं हैं, वो सारी की सारी जो है शामिल की गई है कि कोविड-19 के बाद कौन कौन से लोग किस किस तरीके से अधीन करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या और काल्पनिक, अरुंधति रॉय को जो है मन में चल रहा था कि और क्या विचारधाराएं जो है सामने आ सकती है लोगों के मन के अंदर, उन सभी चीज़ों का जो है वर्णन इस किताब के अंदर किया गया है। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? आज़ादी, आज़ादी का सिनोनिम्स फ्रीडम, और इसका एंटोनिम फासिज्म, और फिक्शन काल्पनिक। और ये किताब कैसी है? फिक्शन का जस्ट अपोजिट है, नॉन फिक्शन किताब है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और उसके पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो ऑप्शंस में सुब्रमण्यम जयशंकर का भी नाम आया था, इन्होंने एक किताब लिखी थी द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। और गौरी खान, आपको याद होगा, एक कॉफी टेबल बुक इन्होंने लिखी थी, माई लाइफ इन डिज़ाइन, क्योंकि एक डिज़ाइनर है तो माई लाइफ इन डिज़ाइनर। और बेसिकली माई लाइफ इन डिज़ाइन जो है ये कॉफी टेबल बुक है, एक कैटेगरी है कॉफी टेबल बुक, जो टेबल पर रखी जाती है, जिसमें पोस्टर्स, मैसेजेस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेजेंटेशन रहता है। तो कॉफी टेबल बुक है माई लाइफ इन डिज़ाइन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ वॉन द 2020 डाइटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो इसका सही ऑप्शन है मार्गरेट एडवुड। ये एक फीमेल है, मार्गरेट से जो शब्द है इससे हमें थोड़ी फीलिंग आती है फीमेल की। और ये सुंदर सी महिला हैं, खूबसूरत सी महिला हैं। इनकी जो है 1985 में एक जो है उपन्यास बहुत फेमस हुई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। और इसका नाम था द हैंडमेड टेल, द हैंडमेड टेल। ये किताब का भी नाम याद रखिएगा कि इनकी ये बहुत 1985 की एक उपन्यास है। एज देख के लग रहा है ना कि 1985 में थोड़ा सा एक्टिव रही होंगी, तो बहुत इनकी स्टार्टिंग की किताब है द हैंडमेड टेल, और ये बेसिकली एक उपन्यास था, ठीक है। और ये बहुत फेमस रहा हुआ था। मार्गरेट एडवुड बेसिकली क्या है, कविता, कथा, गैर काल्पनिक, निबंध और हास्य पुस्तकें जो है इसको लिखने में बहुत निपुण रही हैं। और बेसिकली ये जो ये पुरस्कार मिला है, जिस पुरस्कार का हम डिस्कशन कर रहे हैं, डाइटन लिटरेसी पीस प्राइज, ये किन किन लोगों को दिया जाता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। जो लोग जो है शांति को लेके, सामाजिक न्याय को लेके, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने को लेके, साहित्य की शक्ति को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चिन्हित करने की कोशिश करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इनके जो काम रहे हैं, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उनमें से इन्होंने क्या है ना, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया है। इसी वजह से एडवुड, मार्गरेट एडवुड को जो है 2020 के डेटन लिटरेरी पीस प्राइज से जो है नवाजा गया हुआ है। तो ये पुरस्कार इनको मिला है, डाइटन लिटरेरी पीस प्राइज। तो याद रखिएगा ध्यान से, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है,
ये जो राज्य रहा है शीर्ष पे, मिजोरम राज्य शीर्ष पे रहा है। और बेसिकली खुशहाली रैंकिंग का मतलब ये हो गया कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा खुशहाल है कोविड 19 की महामारी के दौरान, कोविड 19 की महामारी से कितना इम्पैक्ट पड़ा है उसके बावजूद भी कौन जो है सबसे ज़्यादा खुशहाल राज्य रहा है। इन सब चीज़ों को लेके एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे के हिसाब से रैंक निकाली गई है और मिजोरम का जो रैंक है वो पहला रहा है। और यूनियन टेरिटरीज में बात करें अंडमान एंड निकोबार का रहा है, लक्षद्वीप का लास्ट में रहा है, इसका पहला रहा हुआ है। सो देश भर में लोगों की खुशहाली के लिए क्या जरूरी है, खुशहाली पर कोविड 19 का प्रभाव कैसा रहा है, विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में जो है पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा ये पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह अध्ययन जो है प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान, मार्च और जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों पे किए गए सर्वेक्षण के हिसाब से निकाला गया है और उस हिसाब से बताया गया कि मिजोरम भाई सबसे ज्यादा जो है खुशहाल है। इसके बाद अगले न्यूज की तरफ मूव करेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक संपदा कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ये शुरुआत की है कर्नाटका गवर्नमेंट ने और येदियुरप्पा जी यहाँ के सीएम हैं। और ये फेस आपको याद होगा, एक बार करप्शन के चार्ज में फंसे थे तो इन्हें रिजाइन करना पड़ा। बेसिकली जो आर्थिक संपदा जो योजना है वो है क्या, इसके अंतर्गत उन्होंने 39,300 करोड़ रुपए का ऋण जो है वितरित करने का डिसीजन लिया हुआ है। और आर्थिक संपदा जैसा कि नाम है आर्थिक रूप से किसी को सहयोग देना है। इसके अंदर वो कृषि क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, 15,300 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जबकि गैर कृषि क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और इसका जो शुभारंभ किया है उन्होंने 50 इसके जो लाभार्थी हैं उनको क्या काम किया, उनको चेक दे के इसका शुभारंभ किया है। और बेसिकली जो ये शुभारंभ कर रहे थे जिनको चेक दिया है ये वो लोग थे जो कोविड 19 और बाढ़ के समय पे बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए सामने आए थे। तो सारे के सारे वैसे लोग थे जो कोविड 19 के दौरान और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए सामने आए। और ये जो अमाउंट है वो अमाउंट ऋण है, क्या है ये अमाउंट है ऋण है। और आर्थिक संपदा नाम से इन्होंने क्या किया, एक लोन का सिस्टम स्टार्ट किया है जिन लोगों ने कोविड 19 के दौरान पे बहुत बेहतर काम किया है, जिन लोगों ने जो बाढ़ के समय पे बहुत बेहतर काम किया है, ऐसी सारी सहकारी संस्थाओं को क्या कर रहे हैं वो ऋण देने का काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में 15,300 और गैर कृषि क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपए की राशि दे रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र स्थिरता लक्ष्यों से जुड़ा दुनिया का पहला संप्रभु बंधन जारी किया है। एक तो पहले आप लोगों को बॉन्ड समझना पड़ेगा कि बॉन्ड होता क्या है। जेम्स बॉन्ड के नाम पे वो वाला बॉन्ड नहीं, लेकिन कैसे भी याद रख लो ये बॉन्ड आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली जब सरकार के पास पैसे कम पड़ जाते हैं, उसको पैसा जुटाना होता है, तो एक वो पत्र जारी करती है जिसका नाम देती है वो बॉन्ड। क्या होती है बॉन्ड, इस बॉन्ड के जरिए सरकार जो है किसी को भी जो है गारंटी देती है। क्या करती है, इस बॉन्ड के जरिए सरकार गारंटी देती है कि आप हमको पैसे दो, ये आप बॉन्ड लो, इतने समय के बाद बॉन्ड आपका मेच्योर होगा, बॉन्ड आप हमको लौटाओगे, हम आपको आपका इंटरेस्ट सहित पैसा लौटा देंगे। तो ये जो बॉन्ड है वो जारी किया है मैक्सिको गवर्नमेंट ने। और ध्यान से इसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा डिटेल है बॉन्ड पे बेस्ड, जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूरा अलग से टॉपिक है 40 मिनट 45 मिनट का बॉन्ड को समझने के लिए। बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्सिको गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, इनको पैसे जुटाना था तो इन्होंने बॉन्ड जारी किया है सतत विकास लक्ष्यों को सामने रखने के लिए कि हाँ वो जो लक्ष्य रखा गया सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सतत विकास इसको जनरल भाषा में समझिएगा कि लगातार विकास होता रहे, इस चीज़ का लक्ष्य जो है जारी रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया, संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया कि सभी देशों को इतना जो है विकास जारी रखना होगा। अब इनके पास पैसों की कमी बन रही थी तो इन्होंने क्या किया कि एक राष्ट्रीय बॉन्ड जो है जारी कर दिया है संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को जो है पूरा करने के लिए कि नहीं भाई इतना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम निकाल के ले आएंगे, इतना आर्थिक विकास हम पहुंचाएंगे, हमारे देश का विकास दर ये लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा हुआ है हम पूरा करेंगे ही करेंगे। तो ये दुनिया का पहला देश बना है जिसने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक सोवरेन बॉन्ड जारी किया है। और ये ऐसा बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया है। इस बॉन्ड के जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, इस बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन यूरो या फिर 750 मिलियन यूरो बराबर 890 मिलियन डॉलर ये वो जुटाने वाला है। तो SDG बॉन्ड सितंबर 2027 में मैच्योर होगा, ये जो बॉन्ड जारी किया उन लोगों ने SDG का नाम दिया है, 2027 में ये मैच्योर होगा। जो लोग इस बॉन्ड को खरीदेंगे उनको 1.603% की मैच्योरिटी दर मिलेगी और 1.350% की कूपन दर से बढ़ोतरी मिलेगी। ये नया बॉन्ड मैक्सिको के नए SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया है। ये मैक्सिको का एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया, SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको, तहत जारी किया, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक
96 के साथ साझेदारी में जारी किया गया था। यह बॉन्ड मैक्सिकन सरकार के लिए तीन तरीकों से लाभ होगा। अब भाई सरकार ने, मैक्सिको सरकार ने क्या किया, पैसा जो है कलेक्ट कर लिया 750 जो है यूरो। अब ये पैसा है अलग अलग जगह लगाएगी, बजट की पारदर्शिता को जो है मजबूत करेगी। जो भी वो बजट अपना देश का बजट आता है, हर देश का जो बजट आएगा उसकी पारदर्शिता और मजबूत कर पाएगी कि हाँ ये जो पैसा है यहाँ यहाँ इन्वेस्ट होना है। सतत विकास कार्यक्रम के लिए खर्च में बढ़ोतरी, सतत विकास के लिए जो कई सारे कार्यक्रम है जो बंद पड़े हुए हैं उनके लिए वो फंड एलोकेट कर पाएगी। इसके अलावा विकास वित्त के उद्देश्य से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विकास में योगदान दे पाएगी। अब सतत विकास का जो भी लक्ष्य किया गया है, जो उसका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है और उसका जो देश का व्यापार है, उन व्यापारों के लिए जो पूंजी की कमी होगी तो पूंजी को और पुश कर पाएगी, जिससे जो सतत विकास का पूरा लक्ष्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार के पास पैसों की कमी चली गई थी तो उन्होंने क्या किया, एक बॉन्ड बनाया। इसको आप पत्र ले सकते हो, इसको अलग टाइप का नोट समझ सकते हो जनरल भाषा में। अब ये क्या करती है, सरकार गारंटी लेती है, ये सामने रखती है, बॉन्ड है। इन्वेस्टर्स क्या आते हैं, वो करते हैं, ये बॉन्ड खरीदते हैं। ये बॉन्ड क्यों खरीदेंगे, क्योंकि इन लोगों को इस पे मुनाफा होगा, क्योंकि सरकार गारंटी ले रही है तो पैसा लौटेगा ही लौटेगा। अब ये पत्र इनको मिल जाएगा, सरकार को पैसा मिल जाएगा। मैच्योरिटी होने के बाद क्या करेंगे, ये सारे के सारे लोग सरकार को वापस ये बॉन्ड दे देंगे, सरकार से अपना पैसा वापस ले लेंगे। इसमें जो इनको रेट मिल रहा है 1.603% का मिल रहा है, मैच्योरिटी दर मिल रहा है 1.350 का कूपन दर मिल रहा है। ये दो तरीके का इनको दर मिल रहा है और ये बॉन्ड जारी कर दिया है। और इसको जारी करने का जो एक फ्रेमवर्क था, SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क है, मतलब बॉन्ड जारी करने का एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जिसका नाम दिया गया SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क। इसी फ्रेमवर्क के तहत जो है जारी किया गया है और इसके साथ जो है फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेट्रिस के साथ साझेदारी में ये बॉन्ड जारी किया गया है। तो ये बेसिक चलिए। अब पैसे आ गए मेक्सिको गवर्नमेंट के बाद 750 यूरो, अब ये क्या काम करेगी, अपने अलग अलग विकास कार्य के लिए फंड एलोकेट करेगी, ताकि जो संयुक्त राष्ट्र ने एक निर्धारित किया है कि भाई ये सर्टेन लक्ष्य आपको पहुंचना है तो उस लक्ष्य तक आगे बढ़ने की कोशिश करेगी और उस पर पूरा मेहनत करेगी। सब कुछ मुद्दा होता है पैसों का और यही टेक्निकल टर्म थे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY का शुभारंभ किया है, तो बेसिकली गुजरात राज्य ने जो है इसकी शुरुआत किया है। इसमें देखिए क्या करने वाली है जो है गुजरात सरकार, तो गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, इसको बोलते हैं MMUY, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री है महिला उत्कर्ष योजना, तो MMUY इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यह योजना जो राज्य में जो महिला समूह है उनको ब्याज मुक्त जो है ऋण देने वाली है। इसमें वो क्या काम करने वाली, शहर में जो है 50 जो है एक यूनिट बनाने वाली है, गांव में 50 यूनिट बनाने वाली। इस यूनिट का क्या नाम रखने वाली है, ज्वाइंट लाइबिलिटी एंड अर्निंग ग्रुप रखने वाली है। एक ग्रुप बना रही है, एक यूनिट बना रही है जिसका नाम लिखने वाली है ज्वाइंट लाइबिलिटी एंड अर्निंग ग्रुप। अब नाम में देखो एक खास बात है, इसको समझना भी पड़ेगा। एक ग्रुप बना दिया तो कहने का मतलब इस पूरे ग्रुप का जो है ज्वाइंट लाइबिलिटी है, मतलब जिम्मेदारी पूरे ग्रुप की है, जो ऋण दे रही है पूरा ग्रुप एक साथ देगा। और अर्निंग ग्रुप, ज्वाइंट लाइबिलिटी एंड अर्निंग ग्रुप, ये एक साथ जो है कमाएगा, एक साथ लाइबल होगा पैसा रिपे करने के लिए। तो JLEG शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है। ये ग्रुप बनाया 50,000 शहर में, 50,000 गांव में, ये इन्होंने यूनिट बना दिया और एक यूनिट में 10 महिलाओं का होना कंपलसरी बना दिया। तो कहने का मतलब है अब यूनिट वाइज एक महिला को लोन देने के बजाय वो 10 लोगों को क्या कर दे रहे हैं, यूनिट बना रहे हैं। आपको पता है ना कि एक से भला 10 लोगों को लायबल बना दिया ताकि पैसा रिकवर हो सके। बड़े मैच्योरिटी के साथ काम किया जाता है और 10 लोगों को एक साथ शामिल किया गया, कहने का मतलब वो यूनिटी के साथ काम भी कर पाएंगी। तो ये 10 लोग रिस्पॉन्सिबल है पैसा लेने के लिए, 10 लोग रिस्पॉन्सिबल है पैसा कमाने के लिए और 10 लोग रिस्पॉन्सिबल है पैसा चुकाने के लिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, लेन देन और चुकाना सब एक साथ जो है काम किया गया है। तो गुजरात सरकार क्या कर रही है, सभी बैंकों के साथ शीघ्र ही क्या करने वाली, समझौता ज्ञापन पे साइन करने वाली है कि भाई साहब जो आपका ब्याज होगा, ब्याज सरकार भरेगी, इस यूनिट को आप पैसा दे दो। तो 50,000 शहर में यूनिट बनाएगी, 50,000 गांव में। सिंपल सा गुजरात जो गवर्नमेंट का जो खासकर जो रोल है बड़ा सही है और बहुत सराहनीय भी है। भारत के पहले अनन्य निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर किया गया है। देखो टर्मिनल का काम क्या होता है, टर्मिनल बेसिकली होता है कि जहां से, जैसे ये टर्मिनल पे आप पहुंचे तो ये एंट्री हुई, टर्मिनल पे आप एंट्री करते हो। इसके बाद यहाँ एक टर्मिनल पे कई सारी जहाजें रहती है, कई सारे इसके खंड होते हैं। तो ये जो बनाया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पे बनाया गया है, अब इस चीज में समझिएगा कि इसमें 57 खंड है। कितने, 57 खंड है और एक दिन में कितनी जहाजें उड़ान भरने वाली है, 150 जो है जहाजें जो निजी जेट है वो उड़ान भरने वाली है। यहाँ पे जो है निजी जेट उड़ान भरने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका जो उद्घाटन किया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है, भाई उड़ान भरने से रिलेटेड है तो उड्डयन मंत्री ही उद्घाटन करेंगे। हरदीप सिंह इनका नाम है, याद रखिएगा, उड्डयन मंत्री का, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया हुआ है।
ये जो टर्मिनल है 57 खंड है इसमें, और एक दिन में कितना निजी जेट जो है उड़ान भरेगी, 150 निजी जेट उड़ान भरेगी। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन आपको याद होना चाहिए। टोयोटा इंडिया ने किसको टोयोटा अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा न्यूज जान लेते हैं, और आयुष्मान खुराना को कई और चीजों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और एडवोकेट भी बनाया गया है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, तब तक आप रिकॉल कीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर दोबारा से उस वाले बात पे आएंगे कि इसके पहले आयुष्मान खुराना का नाम हमने पिछले दिनों में कहाँ कहाँ सुना है। तो टोयोटा इंडिया ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को टोयोटा अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टोयोटा अर्बन क्रूजर, ये है फिगर इसका, टोयोटा अर्बन क्रूजर, ये एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है सेगमेंट में आता है, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में। ये 23 सितंबर 2020 को लॉन्च होने वाली है। थोड़ा सा अगर पास डिटेल है कि आयुष्मान खुराना का, और हमने नाम सुना था, ये ब्रांड एम्बेसडर बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के भी बने थे और यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन भी बने थे, और इसका जो टाइटल पूरा था एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट, यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट्स कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। जूही चावला का आपको नाम याद होगा, ये जो है हाइजीन सेगमेंट के लिए जो है इमामी लिमिटेड कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई थी। अमिताभ बच्चन का नाम अभी हाल ही में आपने सुना था कि फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी वॉयस ऑन एलेक्सा पे जो है इन्होंने अपनी आवाज दी हुई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, किस राज्य ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय प्रदान करने का निर्णय लिया। जहां आए गाय वहां हमारे उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है नाम याद आ जाना चाहिए, और उत्तर प्रदेश यहीं से आप इसे याद रख सकते हैं। और जब भी बात आती है योगी आदित्यनाथ की और गाय की तो हमें लगता है हिंदू मुस्लिम कहीं दंगा भड़कने वाला है, पर ये ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक सही और सटीक काम किया है, इन्होंने कुपोषण से बचाने के लिए पोषण योजना एक चालू किया है। उसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जो महिलाएं या बच्चे कुपोषण के शिकार हैं उनका पोषण करने के लिए हम उनको गाय देंगे, और जबरदस्ती भी नहीं करेंगे, जो लोग गाय को रखने में सक्षम होंगे उनको गाय देंगे, और साथ में हर रोज उनको 30 रुपया भी देंगे। तो मेरा मानना है योगी जी का एक तो नेकी ऊपर से पूछ के, तो गाय तो दे रहे हैं साथ में 30 रुपये भी उसको रखने के लिए दे रहे हैं, और मेरा मानना है कि बहुत सराहनीय है। बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि कुपोषण को वो थोड़ा नीचे डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी महिलाएं या जो बच्चे हैं उनको गाय सौंपने से क्या होगा, गाय से दूध मिलेगी, दूध से वो खाएंगे पिएंगे जिएंगे, और अगर गाय नहीं रख पा रहे हैं तो योगी जी बोल रहे हैं कि 30 रुपये पर डे के हिसाब से हमसे ले लो। तो ये पोषण योजना के तहत, पोषण अभियान के तहत ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये बात है, याद रखिएगा, बड़ी सही पहल है योगी आदित्यनाथ जी की। कई बार क्या होता है कि हम तिरस्कार करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे सराहना वाली भी बात है। किसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है भाई साहब, ये हैं। पहले ये जो है कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और ये यहां से हटाए नहीं गए, इसके साथ अतिरिक्त इनको प्रभार दिया गया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का। रीजन क्या है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हरसिमरन कौर बादल, इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है किसानों के जो है आंदोलन की वजह से। तो हरसिमरन कौर का जो है जो सस्पेंशन है वो राष्ट्रपति जी को क्या करना पड़ा, राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद जी को संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत उनका जो इस्तीफा है उस तत्काल प्रभाव से जो है क्या करना पड़ा, उनको हटाना पड़ा, उनका इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा, और फिर ये पद इनको सौंपना पड़ा। तो थोड़ा सा आर्टिकल 75 को एक बार रीड कर लीजिएगा, किसी दिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, यहीं एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आज का करंट अफेयर की क्लास आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो एक बार फिर से आप लोगों का प्यार बनाइएगा, कैसे 500 से थोड़ा और ऊपर लाइक बढ़ा दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।